सैमसंग अपने नेक्स्ट गैलेक्सी M सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है, जो होगा गैलेक्सी M30। और रिसेंटली ही कंपनी ने M30 के रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया है, जो होगा February 27th। और ये ठीक एक दिन पहले लॉन्च होगा Redmi Note 7 के, जो कि M30 का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी होने वाला है। सैमसंग ने ट्विटर के थ्रू एक टीजर लॉन्च किया है, जिसमें हम गैलेक्सी M30 के फ्रंट एंड बैक डिजाइन को देख सकते हैं, जिससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि बेशक इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा विद इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। सो हे फोक्स, दिस इज समीर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैलेक्सी M30 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड रिलीज डेट के बारे में। एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं इसके डिजाइन से। सैमसंग गैलेक्सी M30 के डिजाइन को बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रखना चाहता, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैमसंग ने एक टीजर के थ्रू इसका फ्रंट एंड बैक डिजाइन कंफर्म कर दिया है। तो गैलेक्सी M30 के टीजर के अकॉर्डिंग इसमें हमें H2S डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, और ये सैमसंग का पहला स्मार्टफोन भी होगा विद इन्फिनिटी यू डिस्प्ले। बात करें इसके बैक डिजाइन की तो M30 का डिजाइन काफी सिमिलर होगा M20 एंड M10 के, बस जो डिफरेंट होगा वो है इसका वर्टिकली अलाइन ट्रिपल कैमरा सेटअप, और बीच में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, और इसका बैक पैनल होगा पॉलीकार्बोनेट का। तो ओवरऑल इसका डिजाइन काफी बेसिक होने वाला है, जस्ट लाइक गैलेक्सी M20 एंड M10। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो गैलेक्सी M30 में हमें फुल HD+ वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद यू स्टाइल नॉच, जो कि इसका वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड USB टाइप सी भी मिलने वाला है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें हमें सैमसंग का अपना Exynos 7904 या 7905 देखने को मिलेगा विद 4GB एंड 6GB ऑफ रैम, और स्टोरेज होगी 64GB एंड 128GB की। बात करें इसके कैमरास की तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि गैलेक्सी M30 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 13+5+5 मेगापिक्सल का। कहा जा रहा है कि इसमें हमें एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा और एक टेलीफोटो लेंस भी होगा विद 3x ऑप्टिकल जूम, और फ्रंट में यू स्टाइल नॉच में हमें मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा। तो बढ़ते हैं इसके रिलीज डेट एंड प्राइसिंग की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैमसंग एक टीजर के थ्रू कंफर्म कर चुकी है गैलेक्सी M30 के लॉन्च डेट को, जो होगा February 27th, और ये ठीक एक दिन पहले लॉन्च होगा Redmi Note 7 के। बात करें M30 के प्राइसिंग की तो कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग M30 की बेस वेरिएंट की प्राइसिंग होगी अराउंड 15,000 इंडियन रुपीज, जो कि एक काफी अच्छी प्राइसिंग साबित हो सकती है, क्योंकि अभी इस रेंज में कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है विद ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड AMOLED टेक्नोलॉजी। तो यार, आप में से कितने लोग एक्साइटेड